हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ और बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के साथ मैं मिथिलेश निषाद आपका स्वागत करता हूं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। सुशांत के निधन को 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक उनके फैंस को इंतजार है कि एक्टर को न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस की जाँच में CBI लगी हुई है, अभी तक इस केस की जाँच जारी है। सुशांत के फैंस सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक्टर के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। सुशांत के फैंस ट्विटर पर सुशांत विल गेट जस्टिस के ट्रेंड कर रहे हैं। वहां ट्वीट करके सुशांत को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। सुशांत के फैंस को अब भी न्याय का इंतजार है। साउथ सेंसेशन और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना अपनी आने वाली बॉलीवुड रिलीज के साथ देश में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ दिनों से अभिनेत्री को अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए हिंदी सिनेमा के लिए मशहूर मुंबई का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम की प्रतिबद्धता में कोई बाधा न आए, रश्मिका ने अब मुंबई में अपनी खुद की एक जगह खरीद ली है। अभिनेत्री के करीबी एक सूत्र ने खुलासा किया, रश्मिका मिशन मजनू और अन्य बॉलीवुड प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए मुंबई और हैदराबाद के बीच भाग दौड़ कर रही है। अब उन्होंने शहर में अपनी एक जगह बना ली है ताकि वह आसानी से रह सके। सूत्र ने आगे साझा किया, इस स्थान को अधिक होमली फीलिंग देने के लिए रश्मिका अपने हैदराबाद के घर से मुंबई में अपने नए घर के लिए कुछ प्यारी चीज़ें ले आई हैं। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड क्राइम बेस्ड मुंबई सागा पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म मुंबई सागा का धमाकेदार टीजर सामने आ गया है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में जॉन एक गुंडे का किरदार निभा रहे हैं, वहीं इमरान पुलिस ऑफिसर का। टीजर काफ़ी धमाकेदार है और फैंस इसे देख कर फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। फिल्म मुंबई सागर टीजर देखकर पता चलता है कि फिल्म में पूरी तरह धमाकेदार एक्शन का तड़का देखने को मिलेगा। यह फिल्म थिएटर्स में 19 मार्च 2021 को रिलीज होने वाली है। टीजर को शेयर करते हुए जॉन अब्राहम ने लिखा, जब बॉम्बे मुंबई नहीं था और गलियों में हिंसा का राज होता था, साल के सबसे बड़े सागर के लिए हो जाए तैयार। मुंबई के सारे थिएटर में 19 मार्च को होगी रिलीज। सूरज पंचोली और इजाबेल कैफे अभिनीत फिल्म टाइम टू डांस 12 मार्च को डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। सूरज ने अपने इंस्टाग्राम पर इजाबेले के साथ फिल्म के एक पोस्टर को साझा करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने लिखा, 12 मार्च टाइम टू डांस। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ की बहन इजाबेले ने भी इंस्टाग्राम पर फर्स्ट लुक शेयर किया और इसी तरह का कैप्शन भी लिखा। डांस पर आधारित फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में समीर मलिक की भूमिका निभाने वाले एक्टर मधुर मित्तल मुश्किलों में फंस गए हैं। मधुर मित्तल पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने यौन शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता मधुर मित्तल के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। FIR में बताया गया है कि 13 फरवरी को कथित तौर पर मधुर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। महिला के वकील ने इसके साथ ही एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील निरंजनी सेट्टी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि मधुर मित्तल से उनकी क्लाइंट ने अपना रिश्ता 2 दिन पहले यानी 11 फरवरी को ही खत्म कर लिया था। उन्होंने आगे बताया कि मधुर मित्तल उनके क्लाइंट के कमरे में घुस गए और उसे बिना कोई बात करने का मौका दिए गर्दन को 15 से अधिक बार पकड़कर गला घोटने की कोशिश की, कई बार थप्पड़ मारे, उसके बाल खींचे, उसके कानों को रौंदा और उसके दाहिने आँख की ओर मुक्का मारकर मारपीट की। इस मारपीट के दौरान लगी चोट के निशान अभी भी उनके क्लाइंट के शरीर पर मौजूद हैं।